question number 4. Following is the trial balance of Rama and Company for the year ended 31st March 2020. Prepare trading profit loss account and balance sheet. तो देखिए सबसे पहले नीचे चलेंगे, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है. स्टॉक इन हैंड ऑन 31st मार्च 2020 वाज वैल्यूड 8250 क्लोजिंग स्टॉक. तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को एक बार यहां दिखाएंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को एक बार यहां दिखाएंगे. क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में होता है तो उसको दो जगह दिखाते हैं, ठीक है. सैलरी इज पेड रुपीज 500 पर मंथ. अब देखो एक महीने की सैलरी 500 रुपए है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो गए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सैलरी कितनी हो गई, 6000, ठीक है. अंदर सैलरी दे रखी है 5500, इट मीन 500 रुपए देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग हो गई. तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए और यहां लिख देंगे टू सैलरी 5500, ये तो अंदर दे रखी है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 500. टैक्स इज आउटस्टैंडिंग 300, आउटस्टैंडिंग टैक्स दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स लिखेंगे 300 और प्रीपेड इंश्योरेंस 400 यहां लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, ठीक है. तो देखिए यहां लिखेंगे हम टैक्सेस. अब देखिए टैक्सेस एंड इंश्योरेंस साथ दिया हुआ है 3200 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग टैक्स 300 रुपए इसमें प्लस कर देंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये 2900 रुपए आप ये 3100 रुपए बन जाएगा. इसके बाद है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 200, क्रिएट 5% प्रोविजन. तो देखिए यहां लिखेंगे डेटर्स. अब देखिए डेटर्स आपको दे रखे हैं 8200, इसमें से बैड डेट्स घटाएंगे 200, बैड डेट्स घटाने के बाद ये बच गए 8000, इसमें 5% प्रोविजन माइनस करेंगे 400 रुपए, तो ये बच गया 7600. अब देखिए यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स. बैड डेट्स आपको अंदर दिए हुए हैं 350 रुपए प्लस फर्दर बैड डेट्स 200 रुपए प्लस 5% प्रोविजन 400 रुपए, ये हो गया 950 रुपए माइनस ओल्ड प्रोविजन. अब देखिए ओल्ड प्रोविजन आपको दिया हुआ है इसमें 500 रुपए, ये माइनस कर देंगे तो 450 रुपए बच गया आपका बैड डेट्स. अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 300 रुपए रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये आपकी इनकम है तो अनअर्न इनकम हो गया, तो ये लिखेंगे अनअर्न अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 300 रुपए और यहां लिखेंगे बाई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम. देखिए अप्रेंटिसशिप प्रीमियम आपको गिवन है 1000 रुपए माइनस अनअर्न 300 रुपए 700 रुपए. कमीशन एक्रूड, एक्रूड कमीशन यहां आएगा एस एस आई में, एक्रूड कमीशन आपको दे रखा है 100 रुपए, यहां लिखेंगे बाई कमीशन. अब देखिए कमीशन आपको दे रखा है 400 रुपए प्लस एक्रूड 100 रुपए, 500 रुपए हो जाएगा.
एडजस्टमेंट आपकी हो गई है। अब देखिए ड्रॉइंग एंड कैपिटल, यहां लिखेंगे कैपिटल 23,000 दिया हुआ है माइनस ड्रॉइंग 4,000 माइनस कर देंगे। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे 8,000, मशीनरी बैलेंस शीट में दिखाएंगे 20,000, सन्डरी क्रेडिटर्स यहां लिखेंगे 5,000, ओपनिंग स्टॉक 7,400 दिया हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक 7,400 टू परचेज 75,000 बाय सेल्स 1,05,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आता है 2,600 रुपए। सेल्स रिटर्न आपको 500 रुपए दिया हुआ है, लेस सेल्स रिटर्न 500 रुपए 1,04,500 रुपए, परचेज रिटर्न 400 रुपए दिया हुआ है, लेस परचेज रिटर्न 400 रुपए 74,600 रुपए बच गया। एडवर्टीजमेंट 2,400 रुपए दे रखा है, यहां लिखेंगे एडवर्टीजमेंट 2,400 रुपए। इंटरेस्ट देखो डेबिट में दे रखा है टू इंटरेस्ट, तो डेबिट में लिखेंगे 200 रुपए। कैश इन हैंड 1,650 ऐसे साइड में लिखेंगे 1,650। कैरेज एंड फ्राइट यहां लिखेंगे टू कैरेज एंड फ्राइट 1,500 रुपए। सैलरी हो गया पॉइंट। अब ये पॉइंट थे आपके जो आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो किए। अब हम क्या करेंगे देखो, यहां टोटल करेंगे 750, 1,12,750, यहां लिखेंगे 1,12,750, ये लिखेंगे 583। तो देखिए 29,250 रुपए ये बच जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसको यहां ले आएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट वीडी 29,250। अब देखिए यहां टोटल करेंगे 30,450, ये टोटल करेंगे 0,5,6,7,8,9,10,12,318,300 नेट प्रॉफिट। अब जो ये नेट प्रॉफिट है यहां ऐड करेंगे तो देखो 19,000 में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट आया है 18,300, 37,300। अब आपके ये दोनों साइड जो है ना इक्वल होने चाहिए जब तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो देखिए हम यहां टोटल करेंगे 5, 3, 8, 3, 11, 14 और 6, 20, 2, 4, 9, 40, ये देखिए 0, 5, 5, 10, 1, 9, 6, 13, 13, 7, 20, 2, 3, 11,